दोस्तों, क्या एक जवान मौत के बाद भी सरहद की निगरानी कर सकता है? क्या मौत के बाद भी कोई आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रह सकता है? ये प्रश्न सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे कम ही लोग जानते हैं। मौत के 50 साल बाद भी सिपाही हरभजन सिंह सिक्किम सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भी भारतीय सेना उनके मंदिर का रखरखाव करती है और उनके मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी सेना के जिम्मे ही है। कई लोगों का कहना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरिभजन सिंह की आत्मा पिछले 50 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। बाबा हरिभजन सिंह मंदिर के बारे में वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि उनकी आत्मा चीन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही बता देती है। इसके अलावा यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो वो चीनी सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं। आप चाहे इस पर भरोसा करें या नहीं, चीनी सैनिकों को भी बाबा हरिभजन सिंह पर पूरा यकीन है। इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में बाबा हरिभजन सिंह के नाम की खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सकें। हरिभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। हरिभजन सिंह साल 1966 में 24वीं पंजाब रेजिमेंट में बतौर जवान भर्ती हुए थे। हरिभजन सिंह सेना को अपनी सेवाएं केवल 2 साल ही दे पाए और साल 1968 में सिक्किम में तैनाती के दौरान एक हादसे में मारे गए। इस मामले में सेना के जवानों ने बताया कि एक दिन जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित हरिभजन नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन की गहन तलाशी के बावजूद भी जब उनका शव नहीं मिला, तब उन्होंने खुद ही अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी शव वाली जगह बताई। सुबह जब उस सैनिक ने अपने साथियों को हरिभजन वाले सपने के बारे में बताया और जब सैनिक सपने में बताए जगह पर पहुंचे तो वहां हरिभजन सिंह का शव पड़ा हुआ था। बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरिभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हरिभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में सेना की ओर से उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरिभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा हरिभजन के बारे में वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि वो अपनी मृत्यु के बाद भी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें बकायदा तनख्वाह भी दी जाती है और सेना में उनकी एक रैंक भी है। यही नहीं, कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर पंजाब में उनके गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव भेजा जाता था और फिर 2 महीने पूरे होने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता था। वहीं कुछ लोगों के द्वारा जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरिभजन साल के 12 महीने अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। कमरे में बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि रोज सफाई करने के बावजूद उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटे पाई जाती हैं। दोस्तों, आज के समय में ये बातें भले ही अंधविश्वास लग रही होंगी, लेकिन सेना के जवानों में बाबा हरिभजन सिंह को लेकर पूरी श्रद्धा है और वहां मौजूद जवानों ने खुद इन बातों का अनुभव भी किया है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।